जलोन जनपद जालौन के ग्राम करचंदा पुरवा के कालीपी तहसील के अंतर्गत आता और यहां के जनता से मिली जानकारी के मकान गिर रहा है। ग्राम प्रधान नरेंद्र सिंह ठाकुर और यहां के गौशाला की हालत देखिए, ना पानी की व्यवस्था गौशाले में, ना गाय की एक भी, और गौशाले का नाम पर कर रहे अवैध लूट। केवल तार लगे हुए लोगों, यही गौशाले के लिए जो पैसा आता वो प्रधान खा जाता और यहाँ के लोग मकान गिर रहा है। प्रधान के दलित लोगों पर हो रहे अत्याचार, प्रधान ने अभी तक गांव में कोई कॉलोनी नहीं दिलाई गई, किसी कॉलोनी के नाम पर मांगा जा रहा पैसा। संवाददाता उपेंद्र कुशवाहा की खास रिपोर्ट जालौन। नाम क्या आपका? माँ तो लिख लो ना, ठीक है ठीक है, सब कुछ मैं लगा देगा तुम्हें। हम कौन से डर रहा था, अपने हाथ की मेहनत की कमाई से खा रहे हैं, अपने ले रहे हैं, सही है, जबरदस्ती में हमें तो प्रधान खा ले रहा हूँ। नाम क्या आपका? सुनीता। अच्छा जी, बताइए क्या हुआ आपके साथ? ये क्या हुआ, प्रधान ने पहले वो दी थी लेटरन सरकारी, जी जी, और सरकारी लेटरन दे के फिर वो प्रधान ने फिर घर गिराने के सोचा। घर गिराने के पहले कुछ नोटिस दिया था आपको कि घर गिर जाएगा आपका? सर कुछ नहीं दिया, कुछ बोला भी नहीं, कुछ और कुछ बोला भी नहीं है, और बोल रहे और कह रहा फिर मशीन आ रही है और कह रहा कि घर गिराऊंगे, मेरे बच्चे दस बच्चे में जहर खा के उसी में मरूंगी मैं, कहाँ ले जाऊँ मेरा एक घर। प्रधान क्या बोल रहा है, कुछ बोल रहा है? कुछ नहीं बोल रहा, वो तो लालच मांग रहा है पैसे। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? पैसे दो नहीं पट्टा करें जो घर गिरा। अच्छा पैसे मांग रहा है? हाँ। क्या पैसे दीजिए आप, पट्टा करेंगे तभी? हाँ। और पहले मेरे ससुर ने 10 साल उनके इधर हरवाई की। जी जी, प्रधान का क्या नाम है? नारा। जी जी, और बताइए ना, जब पूरा बताइए जो हुआ है, पूरा खुल के बताइए आप लोग अपना। इनको मैंने राजा बनाया, सब कुछ सर बनाया उनके लिए, सब कुछ मैंने काय के लिए सुविधा किया कि इसकी सफेती के लिए, तो इसलिए नहीं किया था कि मेरा घर गिर जाए, मेरे बच्चे वीरान हो जाए, सड़क पे बैठ जाए, और सब बहुत उल्टा सीधा और बोलता है। क्या कह रहा था बोलिए, बताइए। दे रहा था मेरे आदमियों को, कहेंगे झापड़ मारूंगा तो सही होगा। आपको दे रहा था क्या? और मुझे क्यों देगा गाली, मुझे देगा तो फिर वो बैठ नहीं जाएगा उससे। जी जी, और कुछ कहना चाहते आप? और ये जैसी जे इसने बोला था नोटिंग भेजता तो पहले सूचना तो देता मेरा घर गिरने का कि निकाल लो तुम सामान, और जे बट डायरेक्ट मशीन लेके आ गया। अच्छा, गिराने के लिए कोई सूचना अभी गिराया नहीं है सर, मैं तो लगी छाती फार के लगी तो गिरा देंगे भी। और गिरा देंगे, कोई बोर्ड वाला सिस्टम तो नहीं है? कोई बोर्ड वाला कोई सिस्टम है क्या? बोर्ड वगैरह कुछ नहीं, इलेक्शन के दौरान कुछ कि हम ऐसा मकान दिला देंगे तो बोर्ड वोट देना, जो कुछ बोला नहीं, ये नहीं, ये सर पहले बोले और ये बोले चपरा सर ये बोल रहे थे कि दो कॉलोनी देंगे हम और तुझे पट्टा करेंगे और ये घर गिर जाने दो तो मैं अपने बच्चों को बाहर सड़क में बिठा दूंगी। क्या जगह नहीं है? कॉलोनी पास कराई आपकी भैया? नहीं कराई सर, मेरे नहीं कराई, कुछ नहीं हुई, कुछ भी नहीं मिला। ये मेरा एक ही घर है, चलो मेरा देख लो। देख रहे हैं सामने, ये मकान दिख रहा है सामने, कितने दीन बलवान कहते हैं जी, गरीब लोग हैं, इतना गरीब लोग हैं, उसी समाज का मैं हूँ, एक त्रयोदशी थी, मैं यहाँ पर आया हूँ, हम एक महीने से फोन पा रहे जी कहाँ रहेंगे, जिनके 10-10 यूनिट हैं, बच्चे हैं यहाँ पर, पहले भी आपके नौजवानों में धन्यवाद कोट कोट बधाई करता हूँ, आप स्वतंत्र भारत हैं, स्वतंत्र भारत हैं, इसलिए हमें महसूस है हमको, आप सर्वे करना ज़रूरी है और ऊपर तक पहुँचाना ज़रूरी है, जिन लोग कहाँ रहेंगे, जिनके 6-6, 7-7 यूनिट हैं
यहाँ के हमारे समाज के लोगों ने 20-20 साल काम किया है इन लोगों के यहाँ, पूरा गवाह मैं जानता हूँ, 20-20 साल काम किया है। अगर साथ फिर वो काम करवे लाग नहीं करते तो रंजसवर इनके घर गिरो आ जाते हैं, रंजसवर इनके घर गिरो आ जाते हैं जी। क्या हाल है ऐसा नहीं भाई, ठीक है, शासन तो बदलते रहते, सत्ता ही बदलती रहती है। उस राजा को चाहिए जिस राजा के राज में गरीब को सताया जाए वो सबसे बड़ा अपराधी होता है और वो न्यायाधीश नहीं होता है। वो सारा पाप एक संविधान के अनुसार, ग्रंथों के अनुसार, ऐसा ग्रंथों में भी लिखा है कि कैसा राजा है कि जो गरीबों के लिए जो कर रहा है। आदमी के पास कोई साधन हो उठने के लिए, मजदूर करने के लिए, आओ नौजवान हैं, बहुत धन्यवाद, कोट कोट आपको बधाई देते हैं कि जिन लोग कहाँ रहेंगे बिल्कुल मकान के लिए, जब 10 बार फोन जा रहा है मजदूरी, हमारे पास पैसा नहीं जो हम तहसील तक जा सकें, हमारे पास पैसा नहीं लॉकडाउन लगा है कि हम ब्लॉक जा सकें, हमारे पास पैसा नहीं हम कि जो थाने जा सकें, हमारे पास इतनी योग्यता नहीं जो हम एक अधिकारी से या किसी आदमी से बात कर सकें। हम लोग पहले से गुलामी की जंजीरों में बने रहे, आज फिर भी कहते हैं सत्ताधारी कि हम आज़ाद हैं। हम कैसे आज़ाद हैं? देश तो आज़ाद है, हम आज़ाद हैं नहीं, देश तो आज़ाद है, हम आज़ाद हैं नहीं, हम में आज़ाद कहाँ है? बात खुल करके कह सकूं जहाँ वही हमें ठकाना चाहिए, जो हमारी सुन लेगा, दुख सुख में सुन लेगा, वही हम उसको राजा मानते हैं, चाहे तना गांव का हो, चाहे क्षेत्र का हो, चाहे जिले का हो, चाहे प्रदेश का हो, चाहे देश का हो, हमारी जो बात सुनेगा, हमारी घिरी तूफान है किश्ती, उससे बचाना चाहिए। बता क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे जो बच्चे? एक महिला कह रही थी वह बहू को बुलाओ, कह रही थी हम जहर खा लें, सब बच्चों को खिला दें, आप ऊपर तक पहुँचा दें। वह बहू का कहना है कि हम जहर खा लूँगा और बच्चे मार दूंगा अगर हमारे मकान गिरते हैं, ऊपर तक पहुँचा देना। वो बहू कह रही है सोना के घर से कि हम जहर खा लेंगे बच्चा, तो हम कौन है, कहाँ पे है वो, कहाँ पे बुलवाइए उनको भी, बुलवाइए। कौन सी जगह है, कब से आप रह रही हैं यहाँ पे? कम से कम 35 साल से। नेता की प्रधानी है जब बनो। अच्छा अच्छा, नेता प्रधान से आपको यहाँ पे बनो, तो आप यहाँ रह रहे थे लगातार है? उनके पीछे पानी पूरी का धंधा लखनऊ में करते। अच्छा, पानी पूरी धंधा लखनऊ में करते नहीं, जब गए तो 3 तारी डरी थी हमारी। अच्छा, तो बना बताएं गिरा दी, आपको कोई सूचित नहीं किया गया? भाई साहब कोई नोटिस नहीं ना कुछ नहीं, कोई नोटिस नहीं किया गया, कुछ नहीं किया इन लोगों ने, कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, सीधी गाड़ी आड़ी आई नहीं, सीधे सीधे चला के चले गए। परसों के दिन हम आए। अच्छा, परसों आप आए हो, सामान नहीं मिला था, सामान भी नहीं मिला जी। मकान गिरा कब है? चलिए चल के लगभग गिरा। तो प्रधान ने कुछ नहीं कहा? प्रधान ने तो करवाया है, प्रधान ने। अच्छा, प्रधान ने करवाया। उनके लड़का प्रधान का नाम क्या है आगे? नरेंद्र नाम सिंह। नरेंद्र नाम सिंह, फिर दिलाया किसने था जी आपको? जब इधर दिलाया था और उन्हीं दिलाया था, पैसे लिए था, पैसे लिए, कुछ नाम वाम किया, कागज वागज तो दिए? ये कुछ नहीं किया उन लोगों, मतलब कि ऐसे पैसे लेकर आपको कैसे बना दो? प्रधान ने कितने पैसे लिए थे आपसे मकान लेने के लिए? पैसे तो भैया को पता भी आ रहा है। अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम है? प्रधान यहाँ के कोई विकास कर रहे हैं कि नहीं? यहाँ का कुछ विकास कर रहे हैं? ये जो गिरी है जी जगह, ये किसकी? ये नीचे भाई साहब। अच्छा अच्छा, विकास के नाम पे हो रहा है, बिल्कुल कुछ नहीं। अब यहाँ पे कुछ नहीं बनना है। प्रधान का क्या नाम है? गाँव कौन सा? तहसील धन्यवाद धन्यवाद होते हैं। ये गरीब बेचारे क्या कह रहे हैं, हमको बहुत परेशानी है।